अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। राम जानकी मंदिर के पुजारी ने अवैध रूप से मंदिर पर जमे अपराधियों पर कार्यवाही हेतु प्रशासन को दिया ज्ञापन। रायबरेली ऊंचाहार थाना क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग बाबा के पुरवा में विवादित राम जानकी मंदिर प्रकरण में आज मंदिर के पुजारी महंत बाल योगी ब्रह्मचारी जटाधारी स्वामी राम स्वरूप दास द्वारा आपराधिक गत विधियों से जान माल की रक्षा व अपराधियों द्वारा मंदिर पर कर रहे कब्जा से हटाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन व अपर पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। पिछले साल ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव के राम जानकी मंदिर के महंत की मौत के बाद उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिर परिसर पर अपन हक जताने के लिए अब तक कई लोग सामने आए और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाए। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एक महंत जो कि अपने को राम जानकी मंदिर का असली पुजारी होने का दावा पेश करते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार व प्रशासन से न्याय मांगने के लिए गुहार लगाई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 3 महीने से DMSP कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको ना तो सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है और ना ही मंदिर से अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। नाम है विराजमान राम जानकी कुटी बाबा खुरवा टौरा बुजुर्ग कमियन महंत मैं हूँ। मेरे आश्रम में जो है अपराधी लोग कब्जा कर रखे हुए हैं, इसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं और इसमें 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अपराधी लोग वहाँ वसूली करते हैं। कौन अपराधी? आशीष तिवारी और मोनी ये सब मिल करके वहाँ अपने आदमी रख करके वसूली करते हैं और उसी के द्वारा इसमें मिली भगत सरकारी अधिकारियों की है, उनके द्वारा अभी आए थे जो है यहाँ आए थे लेकिन वो तो मिले नहीं है। एडिशनल SP मिले हैं, उनको दिए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन 3 महीने से आश्वासन मिल रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं मिलती कार्रवाई तो आगे क्या होगा? आगे अब ये होगा कि अब जा रहे लखनऊ और जो है अब मुख्यमंत्री के यहाँ धरना देंगे। अगर इसमें हमारी सुनवाई नहीं होती वहीं प्राण जो है त्याग देंगे, जो उनके सामने जो है अनशन पर बैठ करके धरना देंगे और प्राण त्याग देंगे क्योंकि यहाँ जो है अपराधियों का कब्जा हो रहा है और जो है सरकारी मिली भगत है अधिकारियों की और इसमें अब हमारी जो है हत्या हो जाएगी, इससे अच्छा हमारी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ मैं 3 महीने से रोक रहा हूँ। इससे पहले भी जो है कई इसके पहले हमने कम से कम 50-60 एप्लीकेशन दिए हैं, सब जो है फाड़ करके कहीं पुजारियों की हत्या कर दी गई है, ऐसे मामले आए हैं सामने। नहीं वहाँ कोई पुजारी की हत्या नहीं हुई, वो सुसाइड हुआ था, प्रेमदास अपने आप जो है सुसाइड किया था, वो भी फर्जी है, उसको ला करके यही सब बैठा ले हैं और इन्हीं के द्वारा सब जो है वहाँ ऐसा काम हो रहा है, अपराधी लोग वहाँ कब्जा कर रखे हैं। जब इस तरह का मामला है तो प्रशासन जो है किस तरह से देखता है इसको? प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन उन्हीं की जो है मदद कर रहा है, पुलिस वहाँ सुरक्षा कर रही है अपराधियों की, उन्हीं के द्वारा अधिकारी लोग भी वसूली कर रहे हैं, वहाँ उनको जाने की अनुमति SDM साहब दे रहे हैं, उनके पास गए रोक लगाने के लिए, वो खुद जा करके वसूली करवाए हैं, वहाँ के अधिकारी स्वयं प्रशासन लेकर के वहाँ वसूली करवाने गए हैं। जब प्रशासन जो है अपराधियों की मिली भगत हो रहा है तो हमारी हत्या तो होना निश्चित ही है।